24 पाई बीजेपी मानस मंथन आज बीजेपी राज्य कार्यालय बसिबो पदाधिकारी बैठक मीटिंग रे जोगो देबे राज्य बीजेपी निर्वाचन प्रभारी और सहप्रभारी शीर्ष नेतृत्व वन टू वन आलोचना करिबे निर्वाचन रणनीति नहीं बैठक रे विस्तृत आलोचना एथर ओडिशा रे बीजेपी सरकार सुनिश्चित ओडिशा गस्त समय दंभोक्ति करिसेंति उभय नेता 80 रु अधिक विधायक जीतिकी आसिबे एवं लोकसभा रे 16 रु अधिक सांसद जीतिकी आसिबे बोली कहिसेंति निर्वाचन प्रभारी विजय पाल सिंह तोमार सेपरि सहप्रभारी कहिसेंति महिला माने आमस अछंति ओडिशा रे बीजेपी सरकार आनिबारे महिला मानकर सबुठु बड़ अवदान रहिबो सरकार बनाएंगे डबल इंजन की सरकार होगी। हाँ, हमारे उड़ीसा में 80 से अधिक MLA जीत के आएंगे, लोकसभा में 16 से अधिक MP जीत के आएंगे, 16 से कम नहीं आएंगे और इसीलिए आए हैं। जोर देखिए, ये बात तो सही है कि बीजू जनता दल ने कई बार हमारा पार्लियामेंट में समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। समर्थन तो हमारा चंद्रशेखर राव ने भी किया था और भी कर रहे हैं, मुद्दों के आधार पर समर्थन कर रहे हैं, कुछ मुद्दों पर नहीं भी करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, मजबूती से लड़ेगी और सरकार बनाने के ही लिए लड़ रही है। जगन्नाथ जी की धरती को हमें आज आगमन हुआ है, मैं जगन्नाथ जी को प्रणाम करती हूँ और जगन्नाथ जी की धरती अब भारतीय जनता पार्टी की धरती होने वाली है। देखिए, महिलाओं की अगर बात करें तो जो आत्मविश्वास नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद महिलाओं के अंदर आया है और जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए जो काम हो रहा है, तो बहनें हमारे साथ हैं और आने वाले समय में उड़ीसा में भी जीत हमारी पूरी बहनें दिलाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का सत्ता होगा। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।